हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। श्रीमती गोमती देवी विधि महाविद्यालय बड़ा गांव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए एबीएसटी का सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर लेके आए थे लिफो एंड फिफो मेथड वाला, सामग्री निर्गमन वाला, उस चैप्टर को मेटर कंट्रोल जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट पॉइंट में अपन ने फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ा था। अब हम सेकंड टॉपिक लेके आए हैं अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको अपन शॉर्टकट में लिफो बोलते हैं। शॉर्टकट में अपन बोलेंगे लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक गोडाउन में जो मेटेरियल आता है उस मेटेरियल को किस प्रकार से किया जाता है, इसके जैसे मैंने आपको प्रारंभिक दो मेथड बताए थे, एक फिफो और एक जैसे मोस्टली लिफो, दो मोस्टली मेथड होते हैं, बाकी और भी है। तो लिफो मेथड में क्या है कि जो मेटेरियल लास्ट में जस्ट ना वो भी दिया है, पहले उसी को निकालो, पुराना मेटेरियल पड़ा है तो पड़ा रहने दो। तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन आपके सामने शूट कर रहे हैं। क्वेश्चन है अगस्त 2002 माह के लिए सामग्री की किसी मद की प्राप्ति और निर्गमन के विवरण निम्नांकित दिए गए हैं। 2009 अगस्त की डिटेल दी गई है, जिसमें ओपनिंग वैल्यू जो था अपना वो था 500 टन, एडा रेट थी 10 रुपए पर टन के हिसाब से मेटेरियल का ओपनिंग वैल्यू कंपनी के गोडाउन में था। उसके बाद कंपनी ने 5 अगस्त को इश्यू किया था 300 टन मेटेरियल। उसके बाद में 9 अगस्त को किया है 600 टन मटेरियल एट द रेट 11 रुपए पर टन के हिसाब से। उसके बाद 14 अगस्त को कंपनी ने इशू किया है 250 टन मटेरियल। उसके बाद 20 अगस्त को इशू किया है 100 टन मटेरियल एट द रेट 12 रुपए पर टन के हिसाब से। और लास्ट जो है वो 27 अगस्त को इशू किया है 400 टन मटेरियल। तो ये जो क्वेश्चन है अपना उसको अपने को लिफो मेथड यानी कि लास्ट फर्स्ट आउट मेथड के बेस पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को इसको एक फॉर्मेट के रूप में दिखाना होगा और उस फॉर्मेट के बेस पे इसको सॉल्व करते हुए हम आगे किस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट के बेस पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। हेलो, तो स्टूडेंट आप हमने एक फॉर्मेट बनाया है और इस क्वेश्चन को अपन लिफो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अपना ओपनिंग बैलेंस था वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 टन 10 रुपए पर टन के हिसाब से। ये अपना ओपनिंग बैलेंस है 1 अगस्त 2009। बैलेंस के रूप में अपने पास है 500 रुपए क्वांटिटी, रेट है अपनी वो है 10 रुपए के हिसाब से, अपना 5000 का मेटेरियल है 1 तारीख। उसके बाद अपने को आगे दिया है 300 टन इशू करेंगे। तो लिखो में थोड़े की बेच भी देखिए तो अपने पास एक ही टाइप का मेटेरियल है, तो इसी में से अपने को इशू करनी है 300 टन मेटेरियल। डेट अपनी दे रखी है 5 अगस्त 300 टन मेटेरियल करना है। क्वांटिटी में अपन 300 टन 10 रुपए पर टन के बेस पे 3000 रुपए। इस दिन वैलेंस क्या बचा अपना 500 टन में अपन ने 300 टन इशू कर दिया, बैलेंस के तौर पे अपने पास में जो है 200 टन मेटेरियल 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए। उसके बाद 5 अगस्त के बाद अपने पास है 9 अगस्त को अपन रिसीव करते हैं 600 टन मटेरियल 11 रुपए के हिसाब से। 9 अगस्त को अपना
सस्तोतन मटेरियल या इसके साथ से 6000 सस्तोतन। इस दिन अपने पास पहले है 200 टन दस्तोतन वाला, 600 टन यात्री वाला, टोटल हो गया अपना 8000 सस्तोतन का मटेरियल। कहते हुआ 2000 का पहले से था 6600 का ही हो गया, टोटल 8600 रुपए का अपने पास मेटेरियल इन बचा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं अपने 9 तारीख के बाद में अपने को 14 तारीख को शुरू करना है 250 टन मेटेरियल। 9 के बाद में अपना है 14 अगस्त को 250 टन मेटेरियल। मेथड क्या है, देखो एक लास्ट में जो माल गोदाम में है उसमें से निकालना है, तो 600 जो टन माल आए उसमें से अपने को 250 टन इशू करना है। तो अपन दिखाएंगे 250 टन और 1100 वाला, ये अपना हो गया 2750 रुपए का मेटल अपन ने इशू किया है 2750 रुपए। इस दिन बैलेंस ये है 200 टन अपना बचा हुआ है 10 रुपए वाला, और 600 में से अपन ने 250 निकाल दिया यानी कि 350 अपना बचा हुआ है 11 रुपए वाला। बैलेंस अपना हो जाएगा 8600 में से अपन ले देते हैं 2750, तो अपना बैलेंस कितना है 5850 का। तो बैलेंस के रूप में अपन दिखाएंगे 5850। उसके बाद चलते हुए आगे 14 अगस्त के बाद अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है 20 अगस्त को अपन रिसीव कर रहे हैं सोटन मेटेरियल 12 रुपए के हिसाब से। 20 अगस्त को अपन यहाँ डाल देते हैं 20 अगस्त सोटन मेटेरियल 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए। इस दिन अपने पास बैलेंस है 200 टन तो ये बचा हुआ है 10 रुपए वाला, 350 टन बचा हुआ है 11 रुपए वाला, और 100 टन हो गया 12 रुपए वाला। आज हम 5850 रुपए पहले से था 1200 का जी और अटैच कर लेते हैं, तो 5850 पहले का था प्लस 1200, टोटल अपने पास 7050 रुपए का मेटेरियल बचा हुआ है। तो अपन यहाँ डाल देंगे 7050 रुपए का मेटेरियल बचा हुआ है। उसके बाद में अगली डेट अपने को दे रखी है 20 के बाद में 27 को इशू करें 400 टन, यहाँ आप डाल दीजिए 27 अगस्त को 400 टन। लिखो मेथड है क्लास वाला, पहले मेटेरियल इशू करना है क्लास के बाद जो आया अपने को 400 इशू करना है, 100 ये इशू कर दें 300 इसमें से इशू कर सकते हैं आराम से। तो अपन यहाँ इशू वाले को लेकर चलते हैं 100 टन मेटेरियल को अपन करते हैं 12 रुपए वाला, और 300 टन मेटेरियल करते हैं अपन 11 रुपए वाला। तो टोटल अपना कितना हो गया 4500 रुपए का मेटेरियल अपन इशू करेंगे 4500 रुपए का मेटेरियल इशू कर दिया। अब बैलेंस में हमारे पास क्या बचा हुआ है, पहले के लिए 200 टन मेटेरियल 10 रुपए वाला और 50 टन मेटेरियल जो होता है ना 11 रुपए वाला। तो टोटल कितना हो गया 2550 रुपए का मेटेरियल अपने पास बचा हुआ है 2550 रुपए का मेटेरियल। ये बैलेंस के रूप में अपने पास 27 अगस्त को बचा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपन इस क्वेश्चन को लिफो वेस्ट पेपर ने सोल्व किए हैं। तो लिफो मतलब जो मेटेरियल को डाउन में लास्ट में आता है सबसे पहले उसी मेटेरियल को इशू करना है, और उसी वेस्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे अपनी नेक्स्ट मेथड आएगा आधार शेष पद्धति बेस्ट स्टॉक मेथड। इसमें क्या है, इस मेथड में छोटा सा एक टारगेट लिया जाता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक अपना था 500 यूनिट का था, इसमें से बेस रूप से रखा जाएगा कि कम से कम 200 यूनिट है वो कभी नहीं बेचनी है, उसको एक बेस मान के रखा जाएगा। तो
बाकी के लोग बैठे हैं, लोग अपने चाहे लिपो वेस पे कहे या लिपो वेस पे कहे किसी प्लस किसी वेस पे कहे, आप देखो आप देखो 200 यूनिट जैसे वेस के रूप में इसकी सदैव रखती है, लास्ट के बैलेंस के रूप में 200 यूनिट इसकी बची रहेगी। तो वो होता है अपना बेस मेथड, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अपना चैनल श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज का, जो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।